दोस्तों, हम हैं हिंदुओं के एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र। ये क्षेत्र महाभारत में कौरवों के पितामह रहे अत्यंत प्रतापी राजा क्रूर का क्षेत्र है और उन्हीं के नाम से स्थल का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। माना जाता है कि यहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था और यहाँ पर ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र भारत में आज के हरियाणा राज्य का प्रमुख जिला है और ये दिल्ली अमृतसर को जोड़ने वाले राष्ट्र राजमार्ग और रेल मार्ग पर स्थित है। कुरुक्षेत्र के शहर से मिला हुआ है ऐतिहासिक भगवान शिव का वास स्थल थानेश्वर। थानेश्वर संस्कृत साहित्य में वर्णित एक प्रख्यात प्राचीन नगर था जो कभी ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु रह चुका है और जहाँ भारतीय आर्यों का सबसे पहले विस्तार हुआ था। लौकिक मान्यताओं के अनुसार थानेश्वर में स्थापित इस शिवलिंग की महाभारत के 18 दिन के युद्ध से पूर्व पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर पूजा उपासना कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। थानेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है पवित्र गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर। ज्योतिसर अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश का सागर। महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का धर्मयुद्ध इसी स्थान से प्रारंभ हुआ था। लौकिक मान्यता है कि ज्योतिसर वह भूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व विषाद एवं मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश देकर उसे उसके कर्तव्य की ओर प्रेरित किया था। लोक प्रचलित मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर आदि शंकराचार्य ने श्री भगवद गीता दर्शन का मनन एवं चिंतन किया था। पवित्र स्थली ज्योतिसर से 12 किलोमीटर कुरुक्षेत्र शहर की ओर है सन्निहित सरोवर। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी पवित्र जलाशय व नदियां हैं वे प्रत्येक अमावस्या को सन्निहित सरोवर में आ मिलती हैं। इसीलिए इस सरोवर का नाम सन्निहित पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने सभी महाभारत युद्ध में मृत्यु दिवंगतों की मुक्ति के लिए पिंडदान आदि कार्य किया था। इस सन्निहित सरोवर तीर्थ स्थान के इर्द गिर्द सभी देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, जिनमें इसके पास ही स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रमुख है। अन्य सभी मंदिर सरोवर के आसपास बने हुए हैं और यहां आए श्रद्धालुओं के तीर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। सन्निहित सरोवर से कुछ ही दूरी पर ब्रह्म सरोवर नामक आदिकालीन सरोवर है। वामन पुराण के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पूर्व यज्ञ किया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का इस सरोवर से विशेष संबंध है। श्री मदागवत महापुराण के 10वें संकंद में भी इस सरोवर का उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों सहित द्वारका से कुरुक्षेत्र पधारे थे। यहीं पर उनकी भेंट नंद बाबा, यशोदा, गृहिणी तथा अन्य बाल सखाओं से हुई थी। ये मान्यता है कि इस सरोवर में सोमावती अमावस्या व सूर्य ग्रहण के अवसर पर किया गया स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर है। लौकिक आख्यानों के अनुसार इस विशाल सरोवर की सर्वप्रथम खुदाई कौरव व पांडव के वंशज राजा क्रूर ने करवाई थी। ये प्राचीन सरोवर आज भी भारत के मानव निर्मित सरोवरों में से सबसे बड़ा है। ब्रह्म सरोवर के पास ही यहाँ कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय, जहाँ 1 शताब्दी ईस्वी से लेके 11वीं सदी तक विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न व्यक्तित्व पहलुओं को अर्थात विष्णु के अवतार, एक चतुर राजनेता, एक महाकाव्य नायक, एक महान दार्शनिक और सुप्रीम प्रेमी को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, हमने अपनी कुरुक्षेत्र की संक्षिप्त यात्रा यहाँ पर स्थित देवी कूप भद्रकाली मंदिर, जो दुर्गा माँ के शक्ति पीठों में से एक, कुरुक्षेत्र का दर्शनीय स्थल है,
में माथा टेक कर की। मान्यता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा का दाहिना टखना गिरा था। कहते हैं कि इस सिद्धि शक्ति पीठ में पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व अपनी विजय के लिए माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी का मुंडन संस्कार भी यहीं पर हुआ था।